मैं आपके साथ शिवानी यादव, आइए बढ़ते हैं आज की स्पीड न्यूज की ओर। उज्जैन जिले के तराना में सड़क निर्माण कार्य शुरू, 39 किलोमीटर की लक्ष्मीपुरा रूपाखेड़ी सीमेंट कंक्रीट सड़क बनाई जा रही है। लॉकडाउन के कारण 2 माह से रुका हुआ था काम, सड़क निर्माण होने से यात्रियों को मिलेगी सुविधा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर हैंडल से भाजपा का नाम हटाया, सिंधिया के नाम हटाने से गरमाई मध्य प्रदेश की सियासत। सिंधिया ने अफवाहों का खंडन करते हुए ट्वीट किया, सिंधिया ने अपने ट्वीट में ऐसी खबरों को झूठी करार दिया। मोदी सरकार 2 के 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों के लिए चलाई जाएगी मेगा डिजिटल कैंपेन। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे कैंपेन की शुरुआत, वीडियो कॉलिंग के जरिए जनता से सीधा संवाद करेंगे भाजपा नेता, मोदी सरकार की उपलब्धियों का रखेंगे ब्यौरा। सिंगरौली में बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने, घरेलू उपभोक्ता को भेजा 80 खरब रुपए से ज्यादा का बिल, बिजली उपभोक्ता नहीं लगा पा रहे पैसे का हिसाब। मामला सामने आने के बाद विभाग में मचा हड़कंप। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव महिला ने बेटी को दिया जन्म, परिजनों ने बेटी का नाम रखा सैनिटाइजर। नवजात और मां दोनों स्वस्थ है, घर के 1 सदस्य की हो चुकी है कोरोना संक्रमण से मौत, कोरोना काल में बेटी ने दी परिवार को खुशी। मंदिरों में सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर आपत्ति, पुजारियों ने कहा अल्कोहल से हाथ धुलवाकर नहीं आने दे सकते। मंदिर संस्कृति बचाओ मंच ने गाइडलाइन पर दर्ज की आपत्ति, मध्य प्रदेश में 8 जून को खोले जाने हैं धार्मिक स्थल। मशहूर निर्माता एकता कपूर की वेब सीरीज XXX को लेकर मुश्किलें बढ़ी, इंदौर में एकता कपूर सहित 3 लोगों पर दर्ज कराई FIR, अश्लीलता फैलाने और राष्ट्रीय स्मारकों के अपमान करने का आरोप। मध्य प्रदेश में शराब ठेकेदार और सरकार के बीच टकराव जारी, 70% ठेकेदारों का लाइसेंस सरेंडर। प्रदेश में 7,000 करोड़ रुपए के शराब ठेके बंद, हाईकोर्ट ने ठेकेदारों को 3 दिन में स्थिति स्पष्ट करने का दिया था मौका। मोदी सरकार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हमला, लोगों को नगद सहयोग न देकर अर्थव्यवस्था बर्बाद कर रही सरकार का यह रुख, नोटबंदी 2.0 की तरह सरकार की योजनाओं का गरीबों को नहीं मिलेगा कोई लाभ। इंदौर में कोरोना को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, शहर में यातायात सर्विलेंस मोबाइल सेवा की शुरुआत, पुलिस कंट्रोल रूम से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, शहर में यातायात के साथ कोरोना को लेकर दी जाएगी जागरूकता। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,36,000 के पार, कोरोना से 6,600 से ज्यादा लोगों की मौत। तेजी से फैलती कोरोना महामारी ने बढ़ाई मोदी सरकार की चिंता, देश में अस्थायी अस्पताल बनाने पर जोर। कोरोना को लेकर जबलपुर जिला प्रशासन का बड़ा फैसला, 7 जून को जबलपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र की सभी दुकान और निजी कार्यालयों को बंद रखने का आदेश, 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों का संचालन भी रहेगा प्रतिबंधित, कलेक्टर भरत यादव ने जारी किया आदेश।